चैप्टर नंबर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो फर्स्ट वीडियो में हम काफ़ी कुछ इसमें पढ़ चुके थे, तो ये वीडियो जो है ये हम शुरू करेंगे 8.4 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यू हैव लर्नड दैट ईच लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज मैनी ऑर्गन्स। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, हमको पता है। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7 अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स व्हिच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्ट सिस्टम। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस such as digestion, assimilation and absorption. Similarly, different organs of a plant perform specific specialized function. For example, roots help in the absorption of water and minerals, leaves, as you learned in class 7th, are responsible for synthesis of food. तो हमें पता है कि एक व्यक्ति है जो एक ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं ये मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उनका काम अलग अलग होता है। तो वैसे ही जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो अलग अलग चीज़ें जो है अलग अलग काम करती हैं उसमें। प्लांट जो है उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो वो भी अलग अलग काम करती हैं। रूट्स जो है वो खाना लेती हैं, पत्ते जो है खाना बनाते हैं, स्टेम जो है वो खाना सब जगह पहुँचाने का काम करता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, स्टोर करता है फूड। तो इस तरीके से अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग काम करने में मदद करते हैं। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज। अब देखो सब ऑर्गन सिस्टम है, ऑर्गन सिस्टम किससे बना है? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना होता है? टिश्यू से बना होता है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। टिश्यू जो है वो एक ही तरह के सेल्स का ग्रुप है। टिश्यू किसको बोलते हैं? एक ही तरह के सेल्स के ग्रुप को। मैंने बताया ना, सेल से टिश्यू बनता है, तो बहुत सारे सेल्स को मिला देंगे तो टिश्यू बनेगा। टिश्यू क्या हुआ? एक ही तरह के कई सेल्स का ग्रुप। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। और जो ये टिश्यू है ये एक पर्टिकुलर तरह का फंक्शन करता है, यानी कि फंक्शन करने में मदद करता है। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज व्हिच इन टर्न आर मेड अप ऑफ सेल्स। टिश्यू जो है वो सेल से बनता है। द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। तो हमने देखा कि भी ऑर्गन ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म बना है ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम बना है ऑर्गन से, ऑर्गन्स बने हैं टिश्यूज से, टिश्यूज बने हैं सेल से। तो मतलब स्टार्ट किससे हुआ? सेल से। ये ईंट बताया था कल मैंने, ब्रिक। वैसे ब्रिक जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, वैसे यहाँ पर सेल जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में। तो पहला सेल मेम्ब्रेन। द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल आर सेल मेम्ब्रेन। इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें हम सेल की, तो उसमें पहला आता है सेल मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्म और फिर न्यूक्लियस। ये तीन चीज़ें, मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको, फिर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, तीनों याद रखते हैं। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं, एंड आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। द मेम्ब्रेन सेपरेट्स सेल्स फ्रॉम वन अनदर एंड आल्सो द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। ये जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये सेल्स को एक दूसरे से अलग करती है। कल मैंने बताया था ना, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, बी हाइव, उसमें कैसे एक गोला होता है वो दूसरे दूसरा उसके अंदर से चिपका होता है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं बीच में दीवार के द्वारा। तो वैसे ही सेल मेम्ब्रेन है, वो एक दूसरे को अलग करती है, सेल्स को एक दूसरे से। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल्स बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड। अब हम बात करें अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, मेम्ब्रेन मतलब एक झिल्ली, एक तरह की छन्नी होती है जैसे वैसे। अब वो मूवमेंट अंदर भी अलाउ करती है सब्सटेंस का और बाहर भी, यानी कि उसमें चीज अंदर भी जा सकती है और बाहर भी जा सकती है। The boundary of the onion cell is the cell membrane, covered by another thick covering called the cell wall. अब हम बात करें onion cell की, तो onion cell की जो boundary होती है ना corner, उसको बोलते हैं cell membrane, जिसके ऊपर एक और covering होती है जिसको बोलते हैं cell wall. मैंने कल भी बताया था, plants के अंदर cell wall भी होती है, animals के अंदर, organisms के अंदर cell membrane है, लेकिन plants जैसे प्याज की बात करें उन्हें, कि उसके बाहर एक और होता है जिसको cell wall कहा जाता है। The central dense round body of the center is called the nucleus. के सेंटर में डेंस गाढ़ी काफी थिक एक राउंड बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। डॉट दिखाई देता है, आप किसी भी सेल की पिक्चर देखोगे ना, आप सेल किसी भी चीज का, उसका स्ट्रक्चर, एनिमल सेल हो या प्लांट सेल हो, उसके बीच में काले रंग का डॉट दिखाई देगा, दैट इज सेल न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियस। द जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब एक बार फिर मैं आपको क्लियर करता हूँ कि क्या मैं बोलना चाहता हूँ। द
देखिए इस तरीके से, पहले तो एक सेल, सेल मतलब एक कोई भी एक रेक्टेंगल ले लो आप, रेक्टेंगुलर टाइप इस तरह की कोई भी एक फिगर हो गई, ये सेल है। इसके बीच में आपने एक डॉट बना दिया, क्या बना दिया, एक डॉट, यानी कि डॉट मतलब थोड़ा बड़ा समझो कि जीरो बनाया और उसको पूरा फिल कर दिया आपने, तो ये है इसका न्यूक्लियस। कॉर्नर जो है वो है सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये कॉर्नर सेल वॉल हो गया इसका, और उसका जो बीच का पार्ट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और ये सेल वॉल है, ये पूरी चारों तरफ है, ठीक है, सेल वॉल है, बीच में न्यूक्लियस तो इतना ही, मेरे हाथ जितना बस, ठीक है, ये बाकी जगह। तो न्यूक्लियस और इस सेल वॉल के बीच की जो जगह है, यहाँ पे जो चीज है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ग्रीन पार्ट, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं पूरा, इसको हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म। अंडरस्टूड? यू लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, शेप देती है सेल को। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज अनदर थिक लेयर इन सेल्स ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। जैसे मैंने बताया अभी, वही बात रिपीट हुई है कि सेल मेम्ब्रेन है जिस कारण से उसको शेप है। देखो सेल मेम्ब्रेन यहाँ है, मतलब ये सेल इतना बड़ा है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे है इसका मतलब ये सेल इतना बड़ा है, ठीक है, इसको शेप दे दिया, ये ऊपर से ऐसी है, इधर से ऐसी है, तो उस तरह का शेप उसको मिल जाएगा। सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और वॉल होती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है, ये प्लांट्स के अंदर होती है, प्लांट सेल्स के अंदर। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर प्रोटेक्शन। ये जो ये सेल मेम्ब्रेन खत्म हुई तुम्हारी यहाँ पे, इसके बाहर एक और वॉल आ गई जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। तो सेल वॉल जो है प्रोटेक्शन करती है प्लांट्स, क्या करती है वो, प्रोटेक्शन। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशन इन टेम्परेचर। प्रोटेक्शन क्यों चाहिए प्लांट्स को भी, प्लांट्स को प्रोटेक्शन किस किस चीज से चाहिए, पहला चाहिए टेम्परेचर से, यानी कि टेम्परेचर, प्लांट्स तो बाहर रहते हैं ना, हमारी तरह तो नहीं है, घर में घुस जाएंगे ठंड हो जाएगी और गर्मी लगेगी तो वो एसी चालू कर लेंगे और बाहर घूमने निकल जाएंगे, प्लांट्स तो एक ही जगह पे रहते हैं, तो इसलिए प्रोटेक्शन किस चीज से चाहिए, टेम्परेचर से, हाई विंड स्पीड, तेज हवा चलती है उससे, एटमोस्फेरिक प्रेशर, मॉइस्चर से, नमी होती है उससे, तो इस कारण से ये जो आउटर लेयर है सेल वॉल वो इसको बचाती है। दे आर एक्सपोज टू दिस वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव। सेल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द लीफ पील ऑफ ट्रेडसिकेंशिया, एलोडिया एंड रो। अब यहाँ पर कुछ लीफ बताए गए हैं, लीफ पील, कुछ छिलके बताए गए हैं अलग अलग तरह के, जिनके अंदर आप इनको देख सकते हैं सेल वॉल्स को प्रॉपरली। अब सेल वॉल की जरूरत इसलिए है कि प्लांट मूवमेंट नहीं कर सकते, वो तो एक जगह पर ही रहते हैं, इसलिए हवा, बारिश, पानी सब लगेगा उनको, इसमें सेल वॉल उनको बचाने का काम करती है। तो अगर आप देखना चाहते हो तो इनकी स्लाइड तैयार करके माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको सेल वॉल दिखाई देगी। अब यहाँ पर एक पिक्चर भी दी गई है, यहाँ पर जो 8.6 जो है वो ह्यूमन चीक सेल, या ही ह्यूमन चीक सेल, इसमें आप देख सकते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है, अंदर का पार्ट जो उसको न्यूक्लियस कहा जाता है, दिख रहा है ना पिक्चर के अंदर। इट इज द जेली। अब साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, साइटोप्लाज्म मैंने बताया न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो पार्ट है। इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है ये। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेल्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे ऑर्गेनेल्स भी होते हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म के अलावा। समझो एक बॉक्स है, एक बॉक्स है इतना बड़ा, या यही ले लो, ये इतना बड़ा बॉक्स है यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है बॉक्स है इतना बड़ा समझो, इसके अंदर यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस है, छोटा सा डॉट है इतना, वो यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, इसके अलावा जो जगह पूरी है यहाँ साइटोप्लाज्म है। क्या होता है, साइटोप्लाज्म के साथ यहाँ पर आपको मिलेंगे दूसरे तरह के ऑर्गेनल्स। क्या बोलते हैं इनको, ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, अभी ऑर्गेनल्स जैसे कि दीज आर ऑर्गेनल्स के नाम बता रहा हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स एटसेट्रा। जब आप किसी एनिमल सेल को देखोगे, प्लांट सेल को देखोगे, तो ये चीज़ें आपको वहाँ दिखाई देंगी जो मैंने नाम बोले। मेन तो हो गया मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, बीच में न्यूक्लियस, उसके बीच में साइटोप्लाज्म, इसके अलावा वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज और राइबोसोम्स जैसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द लिविंग सेल। इट इज जनरली स्फेरिकल एंड लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द सेल। ये कहाँ होता है, सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में होता है। इट कैन बी स्टेन्ड एंड इजली सीन विद द हेल्प ऑफ अ माइक्रोस्कोप। इसको आप कलर लगा के, यानी स्टेनिंग करने, बताया था ना स्टेनिंग करना, तो स्टेनिंग करने के बाद इसको आप आसानी से किसी भी नॉर्मल माइक्रोस्कोप के नीचे भी इसको देख सकते हो। न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है वो
साइटोप्लाज्म, मैंने बताया ना बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में तो मिल जाएंगे अगर ऐसे होगा, लेकिन ये एक दूसरे से अलग रहते हैं, क्यों, इसकी मदद से, इसकी मदद से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन इज ऑल्सो पोरस एंड अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटीरियल बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये भी पोरस होती है, ये भी अंदर मटीरियल को जाने देती है और अंदर से बाहर भी। With the microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus. It is called nucleus. अब इसके अलावा अगर आप और अच्छा माइक्रोस्कोप लोगे, छोटी-छोटी चीजें दिखाने वाले, तो वहाँ पे आपको दिखेगा nucleus के अलावा एक और spherical body, गोल body होगी, जिसको बोलते हैं nucleolus। क्या बोलते हैं? Nucleolus। In addition to nucleus, इसके अलावा वहाँ पर आपको thread-like structure, धागे की तरह कुछ structures मिलेंगे, जिनको बोलते हैं chromosomes। क्या बोलते हैं? Chromosomes. They carry genes and help in inheritance or transfer of characters from the parents to the offspring. ये जो genes होते हैं, chromosomes जो हैं, chromosome जो धागे की तरह, ये chromosomes दूसरे inheritance यानी कि हमारे जो गुण हैं, parents के जो गुण होते हैं, वही चीजें बच्चों के अंदर डालने में मदद करते हैं। कौन? Chromosomes की बात कर रहे हैं। Animals are small. Animals के अंदर, इनके organisms के अंदर छोटे होते हैं। You might have noticed several small
bodies in the cytoplasm of the cells of Tradescantia leaf. और Tradescantia जो leaf है, Tradescantia पत्ता उसका मिलता है पेड़ का, उसके अंदर देखोगे cytoplasm में तो आपको बहुत सारे dots दिखेंगे, colorful. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cell. Leaf cell जो होता है ना पत्तों का, उसके अंदर scattered यानी कि अलग-अलग जगह में पीछे होते हैं. इनको बोलते हैं plastids. क्या कहा जाता है? Plastids. ये terms है बहुत सारी, ये आपको याद करनी है. एक-एक चीज notice कर, note करते जाना notebook में और फिर learn कर लेना इसको. इसको कहा जाता है plastids. They are of different colors. Some of them contain green pigment called chlorophyll. ये अलग-अलग color के हो सकते हैं. कुछ green होते हैं. Green होने का कारण इनके अंदर green pigment होता है chlorophyll. इसलिए green होते हैं. Green colored plastics are called chloroplasts. जो green color के plastic होते हैं, plastids होते हैं, उनको बोलते हैं chloroplast. ये चीज आपको याद रखनी है. इनको क्या कहा जाता है? Chloroplast. Chloroplast किनको कहते हैं? जो green color के plastids होते हैं. Plastid मतलब जो मैंने बताया अभी आपको, जब वो green color के हो अगर plastids, उनको chloroplast कहा जाता है. They provide green color to the leaves. इन्हीं के कारण पत्तों का color green होता है. आप ये भी याद कर सकते हैं अपने माइंड में पहले. क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोफिल जो है पत्तों के अंदर, उसी से ही तो पत्ते खाना बनाते हैं अपना. नाउ द कंपैरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स. अब यहां पर जो पिक्चर नीचे आप देख रहे हैं, यहां पर आपको दो सेल्स दिख रहे हैं, एक है प्लांट सेल और एक है एनिमल सेल. तो इन दोनों के अंदर देख के हम कंपेयर कर सकते हैं. इफ यू रिकॉल एक्टिविटी 8.3 एंड 4, यू शुड बी एबल टू कंपेयर प्लांट एंड एनिमल्स. ऑब्जर्व द प्लांट एंड एनिमल सेल केयरफुली. लेट अस टैबुलेट द सिमिलैरिटीज एंड द डिस्टिंग्विश फीचर्स. अब यहां पर आप देखोगे तो दोनों पिक्चर्स आप देखोगे दोनों, ठीक है, एक है ए और एक है बी. ए में प्लांट सेल है और बी में एनिमल सेल है. अब प्लांट सेल में आप देख रहे हो कि सेल मेम्ब्रेन दोनों जगह पर है, ठीक है. क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्लांट सेल में है, एनिमल सेल में नहीं. तो इस तरीके से ये जो टेबल दिया गया नीचे देखो, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट है, सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस वो भी दोनों में प्रेजेंट है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो भी दोनों में ही होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. फिर साइटोप्लाज्म की बात करें, वो भी दोनों में ही होगा. प्लास्टिड्स की बात करें, प्लास्टिड्स प्लांट सेल्स में किसमें होते हैं? प्लास्टिड्स प्लांट सेल में, एनिमल सेल में? प्लांट सेल के अंदर. तो प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होंगे. वैक्यूल दोनों में ही है वैक्यूल. तो इस तरह से आपको ये कंपेयर कर लेना है और ये डिफरेंसेस आपको बस एक एक लाइन में, जैसे टेबल बने, टेबल बना के अपने पास रख लोगे तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको अपने हिसाब से लिख सकते हो. बस आपको पता होना चाहिए ये इसमें होता है, इसमें नहीं होता, इसमें होता है, इसमें नहीं होता. क्वेश्चन पूछा जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो उसमें आपको लिखना है इसमें साइटोप्लाज्म होता है, उसमें भी होता है, इसमें प्लास्टिड्स होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, इसमें वैक्यूल्स होते हैं, इसमें भी होते हैं. इस तरीके से आप लिख सकते हो अपने हिसाब से. क्लियर टू ऑल? थैंक्स फॉर वॉचिंग.